एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि जुडिशरी। आई एम निवेदिता राजे। आज हम एक क्रिमिनल लॉ का केस डिस्कस करने वाले हैं, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस मोहम्मद अमीर उल इस्लाम। ये केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रीन पे एस्टैब्लिश हुआ है और इसमें जो रिस्पोंडेंट है अमीर उल इस्लाम, उन्हें डेथ पेनल्टी दी गई थी। केस एक बहुत ही हीनस क्राइम से रिलेटेड है। हालांकि जजमेंट जो था वो केरला हाई कोर्ट का था और उसे सुप्रीम कोर्ट पे अपील कर दिया गया है और अभी उसका स्टेटस पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी डेथ पेनल्टी को, इनफैक्ट 16 जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इनकी डेथ पेनल्टी पर स्टे लगा दिया जब तक कि केस पेंडिंग है। अंटिल दे कम अप विद अ फाइनल वर्डिक्ट द पेनल्टी हैज़ बीन ऑफ कोर्स स्टेड, एग्जीक्यूशन रुक ही जाता है। मैं ये केस आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि इस तरह के केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं जहाँ पे डेथ दी गई हो। और जहाँ तक इस केस को मैं फॉलो कर रही हूँ 2016 से, मुझे लगता है कि इसमें जो अक्यूज्ड है उसे एक्चुअली डेथ सेंटेंस ही मिलेगा और मिलना भी चाहिए। क्राइम कदर ही नस था। तो फैक्ट्स को ब्रीफ में समझेंगे। मोहम्मद अमीर उल इस्लाम जो थे असम के थे। ही वॉज द नेटिव ऑफ असम एंड वॉज ऑल्सो माइग्रेंट लेबर। ही यूज टू स्टे नेक्स्ट टू दिस गर्ल हु वॉज 30 years old, aspiring to be a lawyer, जो अपनी मदर के साथ अकेली रहती थी। अब एक दिन मदर घर पे थी नहीं और वो रात में 8:30 बजे आती है और देखती है कि घर का दरवाज़ा अंदर से बंद है। बहुत ज़्यादा खटखटाने के बाद, बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत पुकारने के बाद जब कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है तो वो घबरा जाती हैं और फिर वो अपने अड़ोसियों पड़ोसियों से मदद लेने लगती हैं। नेबर्स भी घबरा के इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस और नेबर्स की मदद से जब वो मदर अपने घर को खुलवाती है तो वहाँ का जो साइट था वो इतना शॉकिंग था कि पुलिस भी दंग रह जाती है। द गर्ल, द विक्टिम वॉज ब्रूटली रेप्ड एंड मर्डर्ड। इनफैक्ट वो इतनी ब्रूटैलिटी से उसको सब्जेक्ट किया गया था कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स तक बाहर आ गए थे। There was a pool of blood and she could not have survived it. Anyhow, थोड़े से investigation से ही अमीर उल इस्लाम पर fingers point होने लगती हैं और बाकी लोगों के जो witnesses थे जिन्होंने उसको आसपास vicinity में देखा था, उनके statement से पता चलता है कि उसका involvement हो सकता है। कुछ टाइम बाद investigation से पुलिस को वो तमिलनाडु में मिलता है और वो अपनी identity बदल के रह रहा था। मेडिकल एग्जामिनेशन पे उसके सीमेन के सैंपल्स विक्टिम की बॉडी से रिकवर हो जाते हैं। इनफैक्ट वो अपने पास एक नाइफ रखता था जिसपे ब्लड के कुछ माइन्यूट ड्रॉप्स से धोने के बाद भी कुछ अवशेष रह जाते हैं जो कि विक्टिम के ब्लड ग्रुप से मैच कर गए। ठीक है, अब ओबियसली साबित हो गया कि यही है कल्प्रिट जिसने विक्टिम को रेप किया है और उसके रेजिस्टेंस पे उसने और ब्रूटैलिटी से उसे रेप किया और एंड में उसे मार दिया। अब ये केस जब ट्रायल कोर्ट में गया तो ट्रायल कोर्ट ने ज़्यादा कुछ टाइम लिए हुए कन्विक्ट अक्यूज्ड को डेथ का पनिशमेंट दे दिया। कोर्ट ऑफ सेशंस जब डेथ को पनिश करता है तो उस सेशन, उस सेंटेंस को कंफर्म हाई कोर्ट को करना पड़ता है। तो हाई कोर्ट के पास जब ये मैटर गया तो हाई कोर्ट में भी इस सेंटेंस को कंफर्म कर दिया गया। स्टेट ऑफ केरला में बाद में जब हाई कोर्ट में इसे फिर से अपील किया गया तो हाई कोर्ट ने फिर भी इस स्टेट में इस सेंटेंस को कंफर्म किया और डेथ पेनल्टी को ही अवॉर्ड किया। अब यहाँ पे जो डॉक्ट्रिन आती है वो आती है डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। सुप्रीम कोर्ट में केस है लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया है जिस तरह का केस हुआ है, अभी कोलकाता रेप केस जो है ये बहुत लाइमलाइट गेन कर गया है। ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा हीनस क्राइम था, बहुत ही ज़्यादा, कल्प्रिट्स अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। ये भी 2016 का एक बहुत ही हीनस क्राइम था, जीशा मर्डर केस, राइट, जहाँ पे जीशा बिल्कुल इस हालत में थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसका पोस्टमार्टम हुआ है, बिल्कुल उसका शरीर खुला पड़ा था। अब लोग भूल जाते हैं, बहुत बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, निर्भया याद रह जाता है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं कि निर्भया के बाद क्राइम स्टॉप्ड और रेप स्टॉप। जितनी ब्रूटली निर्भया को रेप किया गया था उसके बाद कितनी ही लड़कियां रेप हुई, अब वो न्यूज़ मीडिया की अटेंशन को गैदर नहीं कर सकी। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि जब तक मीडिया का अटेंशन ना मिले तब तक जस्टिस ही नहीं मिलता, राइट। अब ये केस जो है वो उन कुछ एक्सेप्शनल रेयर केसेस में आता है जहाँ पे डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की जाती है।
और डेथ पेनल्टी को अवॉर्ड करना इंडियन जूरिस प्रूडेंस या क्रिमिनल जूरिस प्रूडेंस का एक नॉर्मल रूल नहीं है, उसे सिर्फ रेयरेस्ट सिचुएशंस में ही सेंटेंस किया जा सकता है, ठीक है, रेयरेस्ट सिचुएशंस। अब ये डॉक्ट्रिन है क्या, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन? एक्चुअली देखा जाए तो देर इज नो स्टैट्यूटरी एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन गिवन टू द डॉक्ट्रिन। इनफैक्ट इट इज समथिंग दैट सुप्रीम कोर्ट केम अप विद इन द केस ऑफ बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस डॉक्ट्रिन को क्रिएट किया था, कॉइन किया था। तो इस डॉक्ट्रिन का ऐसे कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं है, लेकिन अगर नॉर्मल पार्लेंस और सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी के कंडक्ट से हम इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करें तो ये समझ सकते हैं कि एक ऐसा एक्सेप्शनल केस या ऐसा हीनस क्राइम जो कि कमिट हुआ है, इस बात पर भी विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। अ क्राइम विच इज सो एक्सेप्शनल, विच इज सो हीनस दैट इट शॉक्स द कलेक्टिव कंसाइंस ऑफ द इंटायर सोसाइटी। एक क्राइम जो इतना ब्रूटल है कि उसे एक आदमी ही कमिट कर सकता है, इस बात पे भी विश्वास करना मुश्किल है। वो इतना ज्यादा शॉकिंग है कि अगर उस क्राइम को पनिश करने के लिए डेथ पेनल्टी के अलावा और कोई भी सजा दी गई तो वो काफी नहीं होगी। अगर इस तरह का केस होता है और इस तरह की हरकत होती है, इस तरह का क्राइम होता है, तो पेनल्टी डेथ की दी जाती है। इसी तरह के केसेस में पेनल्टी डेथ की दी जा सकती है, अदरवाइज नहीं। बच्चन सिंह के केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने इस डॉक्ट्रिन को कॉइन भी किया था तो वहां पे इसको एज अ रूल क्रिएट किया था कि क्राइम कैसा भी हो, अगर डेथ पेनल्टी इज इवन गिवन इन वन ऑफ द पनिशमेंट्स, इट विल नॉट बी गिवन अनलेस इट इज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशंस। लाइफ इंप्रिजनमेंट विल बी द रूल वाइल डेथ पेनल्टी विल बी एन एक्सेप्शन, और उसे तभी दिया जाएगा जब इस तरह का केस सामने आए। जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में डेथ पेनल्टी को और इस रेयरेस्ट डॉक्ट्रीन जो इसको कॉइन किया था, इसको इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज किया गया 1973 के आसपास। अब वहां पे बहुत सारी चीजें, एमनेस्टी का भी बड़ा सारा प्रेशर था, देवर सो मेनी इंटरनेशनल मूवमेंट्स एंड कन्वेंशंस एंड व्हाट नॉट गोइंग ऑन टू अबॉलिश डेथ पेनल्टी फ्रॉम द इंटायर वर्ल्ड। कुछ कंट्रीज ने हटा भी दी, राइट, लेकिन इंडिया वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ दोज मूवमेंट्स और कन्वेंशंस। इनफैक्ट एमनेस्टी से भी जो इंडिया के साथ जो अरेंजमेंट्स और अग्रीमेंट्स थे वो भी सब खत्म कर दिए गए, क्योंकि इंडिया डिड नॉट अग्री टू वॉट एमनेस्टी कन्वेंशन वॉज एडवोकेटिंग फॉर, अबॉलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी। अब बात यही आती है कि क्या डेथ पेनल्टी को वाकई पूरी तरह से रिमूव कर देना चाहिए? ये एक नेवर एंडिंग डिबेट है। कुछ पीस मेकर्स या कुछ लोग जो अमन शांति चाहते हैं, उनका ख्याल है कि डेथ पेनल्टी गलत है, क्योंकि इंसान को किसी की हत्या करने का या किसी की जान लेने का हक नहीं है। बिल्कुल सही बात है भाई, हमें हक नहीं है कि हम किसी की जान ले लें, इट इज समथिंग विच हैज़ टू बी नेचुरल। बट देन देर आर सम इंस्टेंसेज जहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति निकल आता है, एक ऐसा क्रिमिनल निकल आता है कि उसको छोड़ देना, उसको जेल में रखना वुड बी जस्ट टू कन्वीनियंट, वुड बी जस्ट टू लीनियंट। उसका बर्ताव इस कदर ऐसा हैवानियत भरा होता है कि उसे जानवर भी नहीं कहा जा सकता, एक जानवर भी शायद इतना क्रूल नहीं हो सकता, राइट। सो इट इज प्रैक्टिकली अ डीमन, वो इतना ज्यादा हीनियस, इतना ज्यादा एक्सेप्शनल कंडक्ट उससे उसके हाथों से हुआ है कि आप उसे नॉर्मल व्यक्ति की तरह ट्रीट ही नहीं कर सकते, आप उसे एक नॉर्मल सजा का हिस्सा नहीं बना सकते, आप उसको दुनिया में रहे वो ये नहीं होने दे सकते, क्योंकि अगर वो रहा तो शायद वो इस तरह की और कोई ग्रूसम हरकत करेगा। और यही सही है कि आप उसे हटा दे, उसे मार दे, ताकि विक्टिम की फैमिली को एक चैन आ सके कि भाई उनकी फैमिली या उनकी जो जो उनकी बच्ची थी या उनका जो भी था जिसकी वजह से वो सफर कर रहे हैं, वो कम से कम दे वुड हैव ही दे वुड हैव अ साई ऑफ रिलीफ, दे वुड बी रिलीव्ड कि चलो जस्टिस इज एक्चुअली सर्व्ड। क्योंकि कई बार डेथ पेनल्टी इज रियली जस्ट द ओनली सेंटेंस दैट कैन बी गिवन। सोसाइटी भी इस वजह से थोड़ा सा पीस में आ जाती है कि भाई एक आदमी जो कि इस कदर हैवानियत कर सकता है वो अब मौजूद ही नहीं है, अब उसको कानून ने खत्म कर दिया है,
राइट, तो कोई भी इस तरह का कोई भी काम करने से पहले सोचेगा तो उसे पता चलेगा कि यू नो लॉ इज क्वाइट स्ट्रिंजेंट व्हेन व्हेन इट कम्स टू डेमोनिक एक्शंस. तो यहाँ पे इफ आई डू समथिंग लाइक दैट आई विल ऑल्सो गेट पनिश्ड, आई माइट बी किल्ड, आई वुड बी एग्जीक्यूटेड. तो ऑब्वियसली इट डज नॉट रियली क्रिएट अ डेटरेंस, क्योंकि इस तरह के लोग नॉर्मल नहीं होते हैं. दे डेफिनेटली सफर फ्रॉम सम एक्सट्रीम मेंटल इशूज. एक नॉर्मल आदमी इस तरह की हरकत कर ही नहीं सकता. डेथ पेनल्टी इज नॉट अ वे टू कम्प्लीटली इरेडिकेट द छीनस क्राइम्स, बट इट कैन प्रोवाइड अ सेंस ऑफ रिलीफ टू द सोसाइटी एंड टू विक्टिम्स फैमिली. और इस वजह से इसका अबॉलिशन इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया, राइट. अब जब जगमोहन सिंह में इसी चीज़ को कंटेंट किया गया कि आप किसी को जान दे नहीं सकते तो किसी की जान ले भी नहीं सकते. जैसे गौतम बुद्ध ने जब उंगली मार को पाठ पढ़ाने के लिए एग्जाम्पल दिया था, तो उन्होंने यही कहा कि इस डाल को तोड़ लो. उंगली मार ने वो डाल तोड़ ली और फिर उससे कहा कि अब इस डाल को तोड़ दो, जोड़ दो. और वो बोला ये कैसे हो सकता है कि एग्जैक्टली जब तुम उंगलियां किसी की जोड़ नहीं सकते तो काट कैसे सकते हो, राइट. जो जो चीज़ के जिस चीज़ के लिए तुम केपेबल नहीं हो, समथिंग विच यू डू नॉट हैव अ पावर ओवर, यू कैन नॉट एक्सरसाइज पावर ओवर इट. अगर इफ़ यू कैन नॉट हील समथिंग, यू शुड नॉट डैमेज इट. दैट इज़ वॉट ही वॉज ट्राइंग टू टीच अंगुलीमार, है ना. एंड ही गॉट द लेसन, ही गॉट वॉट गौतम बुद्ध वॉज ट्राइंग टू टीच हिम. उसी वही कंटेंशन दिया गया कि भाई अगर आप किसी को जान दे नहीं सकते कि मतलब यू नो यू कैन नॉट ग्रांट लाइफ टू समबडी, यू कैन नॉट टेक अवे लाइफ एज वेल. एंड टू विच कोर्ट सेड कि जितना भी जो भी प्रोसेस है ये डेथ पेनल्टी का, एग्जीक्यूशन का, इट इज़ नॉट जस्ट डन बिकॉज वी आर सीकिंग वेंजेस. इट इज़ डन टू इनकॉर्पोरेट अ सेंस ऑफ बिलीफ, अ सेंस ऑफ ट्रस्ट इन द सोसाइटी दैट एक्सट्रीम क्राइम्स वुड बी एक्सट्रीमली डेल्ट विद. एक्सट्रीम क्राइम की सज़ा भी एक्सट्रीम ही होगी, तभी सोसाइटी शांति से जी सकती है. वरना ऐसे लोगों के बीच में अगर सोसाइटी को रहना पड़े या फिर लोगों के मन में एक डर ऐसा बिठा दिया जाए कि इस तरह का आदमी जेल से छूट के बाहर आ गया है, तो बहुत ही एक केओटिक सिचुएशन हो जाएगी एंड वी वुड नॉट बी एबल टू डू जस्टिस एवर, राइट. सो इट इज नॉट द फैक्ट दैट वी आर यू नो इट इज नॉट रियली टिट फॉर टैट, एन आई फॉर एन आई. नो, इट इज द ओनली वे जस्टिस कैन बी सर्व्ड, इट इज द ओनली वे सोसाइटी कैन बी एट पीस. अगर सफाई करनी है तो कूड़े को हटाना ही पड़ेगा. आप ये नहीं कर सकते हैं कि उसकी जगह बदल के उसे कहीं और रख दे, फिर वो जगह भले ही साफ हो जाए लेकिन दूसरी जगह गंदी हो जाएगी, राइट. तो कई बार द ओनली वे टू क्लीन और टू यू नो टू डू अ प्रॉपर क्लेंस इज टू कंप्लीटली रिमूव दैट इम्प्योरिटी, एंड डेथ पेनल्टी काइंड ऑफ वर्क्स लाइक दैट. और इसीलिए इसको अबॉलिश नहीं किया जा सकता. प्लस इसका जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस स्टैब्लिश बाय लॉ. अगर हम किसी की लाइफ को ले रहे हैं, विच माइट बी अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, विच इज़ एक्चुअली अ वायलेशन ऑफ 21, वी आर नॉट डूइंग इट ऑन एन आर्बिट्रेरी बेसिस. वी आर डूइंग इट बाय फॉलोइंग अ कम्प्लीट प्रोसीजर. उसे अपने आप को डिफेंड करने की पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाती है. ट्रायल कोर्ट में अगर डेथ पेनल्टी अवार्ड हो भी गई है तो हाई कोर्ट के कन्फर्मेशन के बिना उसे एग्जीक्यूट नहीं किया जाता. फिर हाई कोर्ट में भी उसे चैलेंज किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में उसे चैलेंज किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट से भी अगर आपको डेथ पेनल्टी ही मिल गई तो आप प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं पार्डन तक. मतलब आपको अपनी जीवन को बचाने का पूरा मौका दिया जाता है एंड तक. और अगर उसके बाद भी आपको कोई भी रिलीफ नहीं मिलता है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते. वी आर डूइंग एग्जैक्टली व्हाट द लॉ लेज डाउन, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी आर नॉट वायलेटिंग आर्टिकल 21. आर्टिकल 21 एब्सोल्यूट भी नहीं है, वो भी अपने आप को अपना एडजस्टमेंट अलाउ करता है अगर लीगल प्रोसेस को फॉलो किया जाए. और डेथ पेनल्टी लीगल प्रोसेस को फॉलो करके ही दी जाती है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई इन द केस ऑफ जगमोहन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, डेथ पेनल्टी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ सॉरी रेस्ट रेरेस्ट ऑफ द रेयर केस वॉज हेल्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड. सो दिस इज द केस. अब इस केस का जजमेंट क्या आएगा मुझे नहीं पता, बट आई एम ऑब्वियसली होपिंग फॉर एवरी थिंग दैट यू गाइज आर होपिंग फॉर. इस व्यक्ति को डेथ पेनल्टी मिलनी ही चाहिए. सुप्रीम कोर्ट अगर इस डेथ पेनल्टी को ले आता है तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हो जाएगा. रेप पे जनरली क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन पर आ सकते हैं, ठीक है. उसमें आप बहुत सारे केसेस को कोट कर सकते हैं, राइट. ये भी अगर
सुप्रीम कोर्ट इसे कंफर्म कर देता है तो ये भी एक नोटवर्दी केस हो जाएगा। जिस हिसाब से चल रही हैं चीजें, यू नो दिस दिस काइंड्स ऑफ क्राइम्स आर नॉट रियली केप्ट पेंडिंग फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि बहुत सारे ज्यूडिशियल डिसीजन से अभी एक साबित हो गया है कि भाई जहाँ पे डेथ की बात आती है आप जल्दी से जल्दी एक्सपिडाइट प्रोसीडिंग्स को इनकॉर्पोरेट कीजिए ताकि एक प्रॉपर जजमेंट आ सके, बिकॉज मेकिंग अ पर्सन वेट फॉर हिज डेथ इज ऑल्सो अ टॉर्चर, राइट। चलिए ये है फैक्ट्स, इन्वेस्टिगेशन रिवील दैट इट वॉज अ केस ऑफ रेप एंड मर्डर कमिटेड बाई द अक्यूज। अच्छा ये फैक्ट्स पहले भी थे। नेटिव ऑफ असम माइग्रेंट, पेरम्बवूर में रहते थे ये सारे के सारे, केरला। अप्रैल 2016 में विक्टिम को इसने रेप किया और मार दिया। घर में घुसने के बाद पता चला कि उसे बहुत बुरी तरह से ब्रूटली हैंडल किया गया है। इन्वेस्टिगेशन रिवील दैट इट वॉज अ केस ऑफ रेप एंड मर्डर कमिटेड बाई द अक्यूज। फाइनल रिपोर्ट वॉज सबमिटेड और इस पे सारे के सारे ये चार्जेस लगे। ट्रायल कोर्ट फाउंड द अक्यूज गिल्टी, सेंटेंस्ड हिम टू डेथ। द अक्यूज अग्रीव बाय द कन्विक्शन, फाइल्ड अ क्रिमिनल अपील बिफोर केरला हाई कोर्ट विच ऑल्सो कन्फर्म्ड द डेथ सेंटेंस। सो दीज आर द लीगल प्रोविजंस, रेयरेस्ट ऑफ देयर रेयर डॉक्ट्रिन। ओरिजिन कहाँ से हुआ? बच्चन सिंह के केस से ओरिजिनेट हुआ। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए। स्कोप क्या है? बहुत सारे केसेस में जगमोहन का केस भी आप डाल सकते हैं, इस केस को भी डाल सकते हैं। डिमेंशंस क्या है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर टेस्ट के, वो मैंने आपको समझा ही दे हैं। हाउ डज वन डिटरमाइन वेदर और नॉट द डॉक्ट्रिन इज एप्लीकेबल, राइट। कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस यही थे। डिवीजन बेंच कंप्राइजिंग ऑफ जस्टिस पीबी सुरेश कुमार एंड एस मनु, ये केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है, इसमें अभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस इन्वॉल्व नहीं हुए, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अभी है ही नहीं हमारे पास। बट सिंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेथ पेनल्टी का केस है, आई थॉट कि आप इसको फॉलो कर सकते हैं इस तरह से। कोर्ट फाउंड दैट अवॉर्डिंग डेथ सेंटेंस वुड सर्व एज अ रेजोल्यूट डेटरेंट, इट इज अ प्रॉपर पनिशमेंट टू दोज कंसिडरिंग परपेट्रेटिंग सच अबहोरेंट एक्ट्स इन फ्यूचर। तो कोर्ट कंक्लूडेड विद अ सेलिब्रेटेड स्टेटमेंट बाई नोबेल लॉरिएट अलेक्जेंडर सोलेटसिन, जस्टिस इज कंसाइंस नॉट अ पर्सनल कंसाइंस बट द कंसाइंस ऑफ द होल ह्यूमैनिटी, एंड लाइक आई सेट क्राइम्स लाइक दीज, हीनियस क्राइम्स लाइक दीज शेक द कलेक्टिव कंसाइंस ऑफ द सोसाइटी, और इसलिए उनका एक्सट्रीम पनिशमेंट जरूरी हो जाता है। जो इंपॉर्टेंट केस हैं इससे रिलेटेड वो ये हैं, बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब जिसमें इस डॉक्ट्रिन को कॉइन किया था, मच्छी सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब जहां पे एम्फोसाइज किया कि डेथ पेनल्टी तभी इन्फ्लिक्ट करनी चाहिए जब एक्सट्रीम कल्पेबिलिटी हो और लाइफ इंप्रिजनमेंट बहुत ही छोटा सेंटेंस लगे, तभी आप डेथ पेनल्टी देंगे, ठीक है। जगमोहन सिंह में इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज किया गया और ये होल्ड किया गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है डेथ पेनल्टी, बेसिकली ये सब मैं आपको पढ़ा ही चुकी हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पीनल कोड प्रोवाइड्स फॉर द पनिशमेंट ऑफ मर्डर? सो दिस इज द ओल्ड सेक्शन, आई वुड सजेस्ट दैट यू नो द करेक्ट वन एज वेल। मैंने अपने एक सेशन में ये सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उस सेशन को वापस से देख के या फिर गूगल करके इसका आंसर ज़रूर मुझे बताएं। यहाँ पे तो आपको आंसर पता ही है, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग बीएनएस का कौन सा सेक्शन है जो मर्डर की मर्डर के पनिशमेंट को एंटेल करता है, दैट इज समथिंग दैट यू शुड नो। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द प्रेसिडेंट टू पार्डन अ डेथ सेंटेंस? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट समथिंग दैट यू शुड ऑल नो, नॉट जस्ट प्रेसिडेंट बट ऑल्सो गवर्नर, और गवर्नर की पार्डनिंग पावर का स्कोप कितना है, वो डेथ सेंटेंस को पार्डन कर भी सकते हैं या नहीं, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए, ये मेंस का क्वेश्चन होता है। वॉट इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर टेस्ट रिलेटेड टू? ये आपको बता ही चुकी हूँ मैं, I would want all the answers in the comments below. Discuss the significance of the Supreme Court's judgment in Bachchan Singh versus State of Punjab in establishing the rarest of rare doctrine and its impact on subsequent judicial decisions. Discuss the constitutional provisions related to capital punishment in India with a focus on Article 21 and the role of judicial review ensuring fair application of the death penalty. राइट तो ये दो मेंस के क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आप जरूर लिखें, आपकी खुद की प्रैक्टिस के लिए जरूरी है।
तो आज के लिए इतना ही, ये केस इम्पोर्टेंट बन जाएगा कुछ ही टाइम में, और इसीलिए आपको मैंने ये पहले ही पढ़ा दिया है, राइट, ताकि आप इसे, जब तक आपका मेंस लिखने का टाइम आएगा तब तक इसका फाइनल डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट से आ चुका होगा। एनी हाउ, सो वी शैल मीट अगेन विद अ सिमिलरली इम्पोर्टेंट केस, जिसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इम्पोर्टेंट प्रमाइस होगा। तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखेंगे, हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।